अध्याय 8। दो विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी। जैसे जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने लगा, वैसे वैसे पूरे यूरोप में एक क्रांतिकारी लहर उठी, जिसने पुराने राजघरानों और तानाशाही राजव्यवस्थाओं को उखाड़ फेंका। इसकी शुरुआत मार्च 1917 में रूस की क्रांति से हुई, जब वहाँ के सम्राट ज़ार निकोलस को अपनी गद्दी त्यागनी पड़ी। धीरे धीरे यह लहर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की आदि के राजघरानों को धराशायी कर गई। रूस में अक्टूबर 1917 को एक और क्रांति हुई, जिसके द्वारा वहां साम्यवादियों की सरकार बनी। अन्य देशों में साम्यवादी या समाजवादी सरकारें तो नहीं बनी, मगर वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई, जिसके तहत हर वयस्क महिला व पुरुष, अमीर और गरीब, सबको चुनाव लड़ने व वोट डालने का अधिकार मिला। लेकिन वाइमर गणतंत्र लगातार तनाव से ग्रसित था, क्योंकि एक तरफ उस पर विजयी देशों का दबाव था कि वह वर्साई संधि की शर्तों को पूरा करे, और वहीं दूसरी ओर जर्मन लोगों में इसके खिलाफ जबरदस्त गुस्सा उफन रहा था। 1929 में विश्व भर में आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ, जिसके कारण विश्व के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ी। जर्मनी में इस मंदी और वर्साई संधि के तहत हो रही हानि के कारण आर्थिक संकट गहराया। लोगों में अपनी सरकार के प्रति आक्रोश पैदा होने लगा। इसका फायदा उठाकर हिटलर और उसकी नाजी पार्टी सत्ता में आई और तेजी से विपक्षी दलों व मजदूर संगठनों का क्रूरता के साथ दमन किया और साथ ही यहूदियों के खिलाफ एक भयानक अभियान छेड़ा। उन्हीं दिनों ब्रिटेन और अमेरिका में एक नए तरह के राज्य की अवधारणा विकसित हुई, जिसे वेलफेयर स्टेट कहते हैं। इसमें माना गया कि राज्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर चले, नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा हो और साथ में राज्य लोक कल्याण को अपनी प्रमुख जिम्मेदारी माने। इसके तहत सार्वभौमिक मताधिकार, राज्य से स्वतंत्र संचार माध्यम, बहुदलीय राजनीति आदि के साथ साथ नागरिकों को समान अवसर दिलवाना और शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार, निराश्रितों, बीमारों व वृद्धों की देखभाल करना आदि राज्य ने अपने जिम्मे ले लिया। इस तरह के राज्य के लोक कल्याणकारी कार्य के द्वारा ब्रिटेन व अमेरिका जैसे देश सन 1929 की मंदी से उभर पाए। 2.1 रूसी क्रांति। युद्ध के पूर्व में रूस। सन 1914 तक रूस एक विशाल साम्राज्य बन चुका था, जो यूरोप और एशिया महाद्वीपों के बीच फैला हुआ था। इसमें अनगिनत भाषा, धर्म और जातीयता के लोग अलग अलग भागों में रहते थे, जिन पर रूसी शासकों की हुकूमत थी। इस साम्राज्य में सत्ता अभिजात्य भूस्वामियों के हाथ में थी, जिनका नेतृत्व वहां का निरंकुश शासक ज़ार निकोलस द्वितीय, ज़ार यानी सम्राट, करता था। सन 1861 तक रूस में कृषकों को अर्धदास, सर्फ के रूप में रखा गया था। किसान जमीन से बंधे थे और वे बिना भूस्वामियों की आज्ञा के दूसरे काम धंधे नहीं कर सकते थे या गांव छोड़कर नहीं जा सकते थे। 1861 में ज़ार की एक घोषणा के द्वारा किसानों को इस प्रथा से मुक्ति तो मिली, मगर अब भी जमीन भूस्वामियों के पास ही थी और किसानों को यह जमीन ऊंचे किराए पर मिलती थी। ज़ार की पहल पर भूस्वामियों ने कुछ जमीन किसानों को दी, मगर उसके लिए किसानों को बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ी। सन 1917 तक कई पीढ़ियां बीतने पर भी किसान यह ऋण चुकाते रहे। कुल मिलाकर 1861 के सुधारों से भूस्वामी ही लाभान्वित हुए और किसान कानूनी रूप से आज़ाद तो हुए, मगर आर्थिक रूप से और बुरे हालतों में फंस गए। लेकिन रूस में किसी प्रकार के लोकतंत्र या अभिव्यक्ति की आज़ादी के न होने के कारण किसानों के पास अपनी बात कहने या मनवाने के लिए कोई साधन नहीं थे। अभिजात्य भूस्वामी व ज़ार मिलकर निरंकुश शासन चलाते थे, जो एक बहुत सीमित वर्ग को ही लाभ पहुंचाता था। इस तरह आम किसानों की हालात सुधरने की जगह लगातार बिगड़ती गई।
आजीविका की खोज में कई किसान शहरों में बन रहे कारखानों में मजदूरी करने गए और कई किसान जार की सेना में भर्ती हुए। इस तरह रूस में किसानों, मजदूरों व सैनिकों के बीच एक गहरा संबंध बना।